Renowned Boro artist, Mr. Kinshan Sorgiali, this was a dream to participate with painting. Kinshan Sorgiali is a renowned Boro artist. He is handing over for painting to our guest, Samu Sushar. I know a fan is also being to felicitate him within our mind. Please. Leaders and members of all Boros in this union. They are also being given artist benefit in our mind. Thank you so much. Now, Kulumbai, main thang bana bozanga. Haan, main thang bana ko mozang man. I love you all. Well, first of all, I would like to thank all of you that you made this evening so special. You know, Sri Rameshwar Devi sir, Sri Tatiram Bora sir, Professor Laish Ram sir, Panchi Arun K. Datta sir, and all executive members, all MLAs, former president of Bodo Sahitya Sabha, Sri Tarun Bora sir, Arun Da, thank you so much for making this beautiful family for me. And मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेरा रिश्ता असम से आप लोगों से बोडोलैंड से आज के नहीं है, पहले से है। जब कोविड शुरू हुआ आई रिमेम्बर एक मुझे ट्वीट आया जिसमें बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग फंस गए थे, उनके पास वापस जाने के दिन था और मुंबई में बारिश बहुत हो रही थी और सब लोग एक ब्रिज के नीचे खड़े होकर उन्होंने ट्वीट किया कि सर हम असम से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो गांव है वहां से हमें घर जाना वापस भेजिए। तो मैंने उनके लिए जब कोशिश करना शुरू किया वापस भेजने के लिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत था महाराष्ट्र और यहाँ में तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो मुझे याद है कि जो दूसरी फ्लाइट मैंने चार्टर की थी पहली उड़ीसा के लिए की थी, सेकेंड असम के लिए स्पेशल एक एयरक्राफ्ट बुक किया था उन सबको फ्लाई करने के लिए। और इसमें जो लोग गए वो ज्यादा से बोले कि सर अगर हम ठीक ठाक वापस पहुंच गए तो हम वापस आपसे मिलने मुंबई जरूर आएंगे। और वो लोग वापस मुंबई आए, उनमें से बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा रिश्ता आज से नहीं बहुत टाइम पहले से है। मैं एक इंजीनियर हूं और एक्टर बाद में बना, पहले इंजीनियर हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता जो है वो एजुकेशन के साथ है। और आज जब बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है, इसलिए यहां पे खड़ा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भी रेवोल्यूशन आता है, चाहे वो लोगों को हेल्प करने में हो, चाहे पीस लाने में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हो, चाहे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हो, तब कोई एक इंसान आगे आगे खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं बदलूंगा। और कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं पहले सक्सेसफुल होऊंगा, मैं पहले पैसा बहुत बनाऊंगा, कामयाबी मिलेगी, उसके बाद आई वॉन्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों की मदद करने के लिए, चेंज लाने के लिए पैसा होना, फेमस होना, बहुत सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। मैं जब लोगों को घर भेज रहा था, मैं करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट लोगों के साथ जुड़ा था उनको घर भेजने के लिए। और वो 7.5 लाख लोग, बहुत सारे लोग
मेरे टच में हैं, आज भी मेरा फोन नंबर वही है, आज भी लोग जुड़ते हैं। और जब सेकेंड वेव कोविड आया, जब लोगों को मेडिकल लाइन की जरूरत थी, इंजेक्शन भिजवाने थे, ऑक्सीजन भिजवाना था, सो ये वो लोग जो 100 रुपए की डेली वेजेस में थे, 200 रुपीज की डेली वेजेस में थे, उनके पास काम भी नहीं था, वो बाइसाइकल्स पर लेकर वो इंजेक्शन, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन गाँव में गए लोगों की हेल्प करने के लिए। सो दे बिकेम द रियल सेवियर्स। सो आज जब मैं बोडोलैंड के बारे में और जान रहा था, तो मैं प्रमोद बोरोजी से बात कर रहा था कि किस तरह आप लोग के बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं, बहुत टफ समय देखा है, 25-30 ईयर्स का एक मुश्किल समय देखा, और उसके बाद आप सबकी जो कोशिश रही, हमारे प्रमोद भाई की कोशिश रही, उसके कारण वापस एक नया सवेरा आया इस जगह पर। लेकिन ये सवेरा असली रोशनी तब देखेगा जब उस सवेरे में आपकी रोशनी जुड़ेगी, तब वो चमकेगा पूरा दुनिया। ये जंग एक इंसान नहीं लड़ सकता, ये जंग सबको लड़नी है, आप की आने वाली जनरेशंस को लड़नी है, ताकि क्यों हम लोग सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, अपना मकान नहीं, अपना कमरा नहीं, हम अपनी स्टेट को अच्छा बनाएंगे, हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे, जब हम लोग घर से बाहर निकल के मदद करने की कोशिश करते हैं, तब वो रेवोल्यूशन आता है। वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने बोला कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इंजीनियर मैं बना नागपुर से, एक्टर बनने मैं मुंबई में आया, और मैं हमेशा सोचता था मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग नाम से जानने लग जाए, मेरे पेरेंट्स प्राउडली महसूस करें कि उनका बेटा नाम कमाया है मुंबई में। और मैं 18-20 साल उसी सोच में जी रहा था, करीबन 100 दिन में अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हर भाषा में फिल्म की नाम भी बहुत हुआ, सब कुछ मिली, कामयाबी भी मिली। लेकिन जब कोविड आया और मैं एक आम इंसान से जुड़ा जिसको मैं जानता नहीं था, जिसको मैं शायद कभी मिला भी नहीं था, और शायद मैं कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी के साथ जुड़े, उनकी दुआओं ने आपका साथ देना शुरू किया, आप जाने अनजाने में उनकी जिंदगी में वो खुशियां लेके आ रहे हैं। सफलता तो ये है, 18-20 साल तो मैं अंधेरे में फिल्मों के चक्कर में घूमता रहा है कि वो कामयाबी मिलेगी, वो फिल्म हिट होगी। तो विश्वास मानिए, आप 500 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन जाए, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन जाए, वो बहुत छोटा लगता है जब आप किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, वो बहुत बड़ा है। मैं हमेशा सोचता था मेरी लाइफ के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करना है मुझे, बड़ी बड़ी फिल्में मिली, दबंग मिली, सिनेमा मिली, और अवार्ड्स मिले, बड़े सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट किरदार निभाया पाया कोविड के दौरान, जहां पे ना लाइट थी, ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था, और ऊपर वाला वो फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, और आज भी मैं उसे हर रोज यही प्रे करता हूँ कि ऊपर वाला ये फिल्म डायरेक्ट करता रहे, और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये किरदार निभाता रहूं, लोगों के साथ जुड़ता रहूं, जान लोगों की जिंदगी में खुशियां लाता रहूं। और मैं आपसे वादा करता हूं आज इस मंच पर कि आज से जब मैंने नया लोगों को कोविड के दौरान लोगों को मदद करनी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि यार अचानक पता नहीं है क्यों कहां से उठते आ गए, लोगों की मदद कर रहा हूं, देखना एक हफ्ते 10 दिन में बंद हो जाएगा। फिर 1 महीना बीता, फिर 2 महीने बीते, फिर साल बीता, 2 साल बीते, और आज भी घर के सामने लोग इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि शायद मैं बदल पाऊंगा, मुझे पता नहीं मैं कैसा कर पाता हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कब तक कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करता रहूंगा। और आज जब मैं आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूं कि मैं प्रमोद बोरो सर को भी बोला कि मैं आज बोरोलैंड, असम, नॉर्थ ईस्ट, जहां जहां पे जो भी लोग तकलीफदायक में होंगे, चाहे वो मेडिकल उनको तकलीफ हो, चाहे वो एजुकेशन की तकलीफ हो, आप याद रखिए कि सोनू सूद आपके परिवार का हिस्सा है, हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं कुछ भी कर पाऊं, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि कुछ यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ हम लोग ओल्ड एज होम खोल पाए, या कुछ स्कूल खोल पाए, कुछ ऐसी चीज कर पाए जो मुझे शायद नहीं पता कि यहाँ पर क्या जरूरत होगी, लेकिन आप विश्वास मानिए, हो सकते जब मैं अगली बार इस मंच पर आऊं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हमारा अपना हो, आप सबका हो, और हम लोग मिलकर
वो चीज बदल पाए। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो तकलीफें बड़ी बार आती हैं, मुझे भी आई होंगी तकलीफें, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर आपके रास्ते पर स्पीड ब्रेकर नहीं आते तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे, अपनी मंजिल पर नहीं चल रहे, तो स्पीड ब्रेकर से रुकना नहीं, आगे चलते जाना। और आज मैं हमेशा एक लाइन हर पंच पर ये कहता हूँ कि कई बार बहुत सारे लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कई लोगों को वक्त लगता है कामयाब होने में, तो लोग कहते हैं यार वो तो जल्दी में से पहले आएगा। हौसला है कि एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। सो आप अपनी मुट्ठी खोलना जरूर, शायद आपकी हाथ की वो ताकत हो जो शायद आपको अभी तक पता ही ना हो। सो क्यों ना आज जब मैं यहाँ पर आया हूं इतनी दूर, हम सब एक दूसरे से वादा करें कि ये जो शाम है ये यहां पे खत्म ना हो, यहां से शुरू हो, यहां से शुरू हो कि जो सब लोग करते हैं इस मंच पर, इतने ऑनरेरी लोग बैठे जिन्होंने वो बदलाव वो चेंज लेकर आए हैं, सो हम लोग इनके साथ जुड़कर वो चेंज लेकर आए, वो बेहतर समय लेकर आए। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। God bless you and I promise every single person here that Sonu till his last breath will be with you always for anything 24/7 365 all my life. God bless you. Take care and thank you so much. মই সকলোকে থিয় হৈ এবাৰ তেওঁক অভিনন্দন জনাব।